हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर बॉटनी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज है, तो उसको बढ़ाते हुए आगे यहाँ पे टेस्ट टू देखने वाले हैं उसकी। तो मोस्ट मॉडल इसमें 25 हम क्वेश्चंस को देखेंगे, तो वन बाय वन सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया, तो आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन लॉ हु हैज़ दी मोस्ट एनर्जी। लिंडमान के नियमानुसार जो है सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास होती है? तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की आप बात करेंगे तो सर्वाधिक ऊर्जा जो है उत्पाद के पास होती है। जो उत्पाद होते हैं उसके पास सर्वाधिक ऊर्जा, और जो न्यूनतम होती है वो किसके पास होती है? अपघटक के पास। तो इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर न्यूनतम यानी मिनिमम की बात करेंगे तो किसके पास होगी? अपघटक जो होता है उसके पास मिनिमम होती है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पिरामिड ऑफ द टेरिटोरियल स्फीयर। स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड कैसा होता है? तो स्थलीय क्षेत्र का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? होता है सीधा। ध्यान रखना कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। क्योंकि जो परितंत्र के विविध जो पोषक स्तरों पर 90% ऊर्जा होती है, ठीक है, जो 90% ऊर्जा व्यय होती है, और तथा शेष 10% जो ऊर्जा होती है क्या होती है? उच्च स्तर की ओर पहुँच जाती है। 90% ऊर्जा क्या हो जाएगी? व्यय हो जाती है, लेकिन 10% ऊर्जा जो होती है वो उच्च स्तर की ओर पहुंच जाती है। इस प्रश्न को देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन है, आज सुमेलित का चयन करना है, सिलेक्ट दी मिसमैच्ड, यानी जो आपका गलत इसमें सुमेलित है। देखिए, मेसोफाइटिक जो होता है या बर्फीले क्षेत्र में उगने वाले पौधे होते हैं, यानी मेसोफाइटिक देयर आर द प्लांट्स ग्रोइंग इन द स्नो एरिया, एकदम सही है आपका पहला। हाइड्रोफाइटिक या जल में उगते हैं, इसमें रूट कैप नहीं पाया जाता, ये भी आपका सही है। हेलोफाइटिक या लवणता वाले जल में उगते हैं, ये भी आपका सही है, ठीक है, यानी आपके यहाँ पे तीनों ऊपर के सही है। आगे दे रखा है, लिथोफाइटिक या स्वच्छ जल में उगते हैं, गलत। क्यों? क्योंकि यह जो है स्वच्छ जल की बजाय चट्टान पर उगते हैं, यानी रॉक्स पर। ध्यान रखना रॉक्स पर यहाँ पे। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ये असुमेलित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें से कौन पादप और जंतु के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है यहाँ पे? युगलीना को। ध्यान रखना, इसको जो है यहाँ पे किसके किसके बीच की जाना जाता है? तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल के बीच के, पादप और जंतु के बीच की जो कड़ी है इसको युगलीना को माना जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटोलिनम। निम्न में से एक बीज पत्री का उदाहरण है। तो यहाँ पे बीज पत्री, एक बीज पत्री की बात कर रहा है, तो इसका जो उदाहरण है यहाँ पे कौन सा है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए, इसका जो उदाहरण है क्या है? गेहूँ, केला यहाँ पे आपका है, ठीक है, केला है गया, इसी में आपका गेहूँ भी हो जाएगा, धान भी आपका इसी में आएगा, ठीक है, जामुन, आम, चना, ये सब जो है द्विबीजपत्री होते हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोस्पर्म डाइकोटिलेडोनियस। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री है? द्विपत्री है, वो भी कैसा? भ्रूणपोषी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला जो आपका आंसर है वो कैसा आपका है? भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री है। बाकी जो है अन्य वाले जो हैं आपके यहाँ पे पपीता, इमली, ये सब कैसे हो जाएंगे? तो ये सब जो है आप भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप भ्रूणपोषी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबजीनियस
सिकेंड, सब जीनियस सिकेंड के बाद उपसंग आपका हो जाएगा, ठीक है। उपजगत कह सकते हैं। इम्ब्रोफाइटा की बात कर रहा है, कह रहा है निम्न में से उपजगत द्वितीय इम्ब्रोफाइटा का लक्षण एक नहीं है, मतलब इसका जो है लक्षण नहीं है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें पीढ़ी एकांतर स्पष्ट रूप से होता है, एकदम सही आपका है। एक कोशिकी के साथ साथ बहुकोशिकीय भी होते हैं, कह रहा है कि एक लक्षण नहीं है क्योंकि ये जो है केवल क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। तो एक कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, तो बहुकोशिकीय नहीं होते। यानी यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। इस जगत के पौधों में भ्रूण अवश्य बनता है और यहाँ पे ये सही है, ठीक है। इसको देखेंगे और आप यहाँ पे जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। द टॉप रूट प्लांट इज, मूसला मूल जड़ वाला पौधा कौन सा है, तो यहाँ पे मूसला मूल जो जड़ वाला है वो कौन सा, देखिए सरसों भी होगा, चना भी होगा, मसूर भी, यानी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। एन एग्जाम्पल ऑफ स्टील्ट रूट इज, अवस्तंभ जड़ों का उदाहरण है, ठीक है। अवस्था में जो जड़ें होती हैं किस में पाई जाती हैं, जिया मेज में पाई जाती है। आपका एक किसका देखिए साइंटिफिक नेम दे रखा है तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है, किसकी बात की जा रही, मक्का की, ओके। फाइकस बेंगालिस है, तो ये किसका होता है आपका यहाँ पे भाई, तो आपका फाइकस बेंगालिस और फाइकस एलास्टिसिका, एक बरगद और एक आपका पीपल है, दोनों जो है कैसे अस्तंभ जड़ें हैं, ठीक है, दोनों को ध्यान रखना है अस्तंभ जड़ें। और पाइपर बीटल जो होता है आरोही जड़ों का होता है इसमें, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा आरोही जड़ें। अगला देखिए और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। दीज लीव्स आर ऑफ्टन फाउंड इनसाइड द सीड, ये पत्तियां प्राय बीज के अंदर पाई जाती है, कौन सी पत्तियों की बात कर रहा है, तो बीज पत्र जो होते हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। ये जो है क्या होती है, बीज के अंदर पाई जाती हैं, तो यहाँ पे आपका सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और फोलिएज पत्ती जो होती है वो क्या होता है कि ये सामान्य ही जो है पत्तियाँ होती है, ठीक है, ये सामान्य पत्तियाँ होती हैं। शल्क पत्र की बात करेंगे, ये छोटी और महीन पत्तियाँ होती हैं, शल्क पत्र की बात करेंगे। पुष्प पत्र की अगर बात करेंगे तो ये जो है पुष्प में पाई जाने वाली होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। निम्न में से किसमें लेटेक्स कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटेक्स सेल्स और ऑब्सेंट। देखिए पहले बात तो कुछ में पाई जा रही होंगी, यानी एक में नहीं पाई जाती हैं, तो किसमें आपके यहाँ पे पाई जाएंगी, पीपल में भी, सदाबहार में भी, कनेर में, जबकि आपका किसमें अनुपस्थित होगी, यहाँ पे कह रहा कि अनुपस्थित होती है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पपीता, ठीक है, इसमें जो लेटेक्स वाहिकाएँ होती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। विच और कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स, किसे जीवित जीवाश्म कहते हैं, तो किसे कहा जाता है यहाँ पे, अगर राइट आंसर क्या बात करेंगे तो साइकस को कहा जाता है, ठीक है, साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। और जैमिया को जो है क्या कहते हैं, सबसे छोटा जो है, ठीक है, नग्न बीजी कहा जाता है, जैमिया को सबसे छोटा नग्न बीजी कहा जाता है। सिकोया को क्या कहते हैं, तो सबसे लंबा जो है नग्न बीजी कहा जाएगा सिकोया को। देवदार जो है पहाड़ वगैरह में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो उनको ध्यान रखना है आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन द आस्मिया लीचेन इज वैक्सीनेटेड, निम्न में से किस टीकाकरण में आस्मिया लाइकेन से टीका लगता है, यानी उसमें जो है इसका यूज किया जाता है, तो आस्मिया लाइकेन की बात की जा रही है। देखिए इसका डिफ्थीरिया भी होता है, काली खांसी में, टिटनेस में, यानी उपयुक्त सभी में इसका यूज होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। आउट ऑफ दिस इज फॉल्स अबाउट मेरिस स्टीम टिशू, कह रहा है इसमें से विभाज्योत की उतक के विषय में असत्य है, तो अब यहाँ पे आपको असत्य फाइंड आउट करना, यानी जो आपका इसमें गलत होगा उसके बारे में आपको यहाँ पे पहले ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें से गलत कौन सा है वो तो हमें पता करना पड़ेगा। देखें इसमें विभाजन की क्षमता होती है, एकदम सही आपका है,
ठीक है, एबिलिटी टू डिवाइड ए भी सही है, विभाजित होने वाली कोशिकाएं इसी के अंदर कतराती ए भी एकदम सही है, या समत्यासी कोशिकाएं होती हैं इसकी बात कर रहा है, ठीक है, ऊतक जो है ये समत्यासी कोशिकाएं होती हैं, तो उपर्युक्त में से कोई गलत ही नहीं है, तो यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी असत्य जो होना चाहिए उपर्युक्त में से नन ऑफ दी एबव, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले सभी सत्य हैं, ऊपर वाले सभी ट्रू हैं। विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सीड टू कम फ्रॉम द डोरमेंट स्टेट टू द एक्टिव स्टेट, बीज के निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने के किसकी आवश्यकता नहीं होती है। देखिए जिब्रेलिन हार्मोन की भी, आर्द्रता भी, तापमान की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन सूर्य के प्रकाश की जरूरत उस समय नहीं होती है जब उसको अंकुरण में आने की स्थिति होती है, ना तो सूर्य के प्रकाश की, ना ही खनिज लवण की, ना तो किसी खनिज लवण की जरूरत होती है, ठीक है। जब वो जो है आपका अंकुरण होकर एक पौधे का रूप लेता है, तब वहाँ पर जो है सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है, खनिज लवण की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे पहले जिब्रेलिन हार्मोन और आर्द्रता तापमान ये सब की जरूरत पड़ती है। What is the process of falling leaves, flowers and fruits from the stem and the branches of plants called? कह रहा है कि पौधे के तने से व शाखाओं से पत्तियों, पुष्पों तथा फलों के गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं विलगन, इसको क्या कहेंगे, विलगन कहते हैं, तो ध्यान रखना सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर यूरिकल्स फाउंड, वातरांध्र पौधे के कौन से भाग में पाए जाते हैं, तो वातरांध्र की बात कर रहा है, तो पौधे के किस भाग में पाए जाएंगे, तो एपिडर्मिस वाले भाग में पाए जाते हैं, ध्यान रखना एपिडर्मिस। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चलिए 10 सेकंड और दे देते हैं, आप लोग इसका जवाब करेंगे, लेकिन इनकरेक्ट ऑप्शन इज इन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, कह रहा है नीचे कथनों में प्रश्नवेदन के विषय में असत्य कथन है, इनकरेक्ट ऑप्शन इन द स्टेटमेंट्स गिवन, यहाँ पे कुछ हिंदी में जो है ये चीज आपका मिसिंग है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप, कह रहा कि यह आमतौर पर पौधों के तने में होता है, एकदम सही है, पहला तो एकदम आपका यहाँ पे सही हो रहा है कि यह जो आमतौर पर किस में होता है, पौधे के जो तने होते हैं उसमें होता है, नहीं भाई ये पौधे के तने में ना हो करके ये पत्ती में होता है, ठीक है, यानी ये लीफ में होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लीफ हो जाएगा, इसके तने की जगह पर यहाँ पर स्टेम की जगह पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर जो लीफ होना चाहिए था, यानी पहला ही आपका रॉन्ग हो रहा है, यह एक प्रकार का विशेष छिद्र एकदम सही है, या पौधे के लिए उत्सर्जन की प्रक्रिया ए भी सही है, लास्ट वाला भी आपका सही है, ठीक है, यह प्रक्रिया पौधे के लिए शीतलन घटक के रूप में कार्य करती है ए भी सही है, सभी सही है, बस यहाँ पे तने की जगह पे पत्ती होनी चाहिए थी। इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सीड्स, निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है, तो बीज कौन उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के द्वारा क्या होता है, बीज को उत्पादित किया जाता है, यहाँ पे जो है यह बीज जो है उत्पादक संवहनी जो है पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे होते हैं बीज संवहनी पौधे होते हैं, और जो थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा की बात करेंगे तो यह पानी में उगते हैं, और टेरोडोफाइटा की बात करेंगे तो क्या होते हैं, बीजाणुओं को जो है फैलाने वाले काम करते हैं इनके द्वारा, और ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये भूमि पर उगने वाले गैर संवहनीय पौधे होते हैं, ब्रायोफाइटा की बात की जा रही है, भूमि पर यानी ज़मीन पर उगने वाले गैर संवहनीय जो है क्या होते हैं, पौधे होते हैं। अगला देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है, वाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी ग्रुप मेनली बेस्ड ऑन, अब यहाँ पे कह रहा है कि शैवाल समूह का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर होता है, तो अच्छा किस पर आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है, इसका जो मेन होता है वो वर्णक की प्रकृति पर डिफाइन कर, नेचर ऑफ कैरेक्टर पर, ठीक है,
वर्ल्ड की प्रकृति पर डिफाइन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द एम्फीवियन क्लॉज ऑफ दैट कम्युनिटी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन, अच्छा कौन है की बार कौन है कि समुदाय के उभयचर वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो किसको भाई यहाँ पे जो है समुदाय के उभयचर वर्ग के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे किसको जाना जाता है, ब्रायोफाइटा को। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इसके तीन पार्ट आपके होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीन पार्ट इसके होते हैं जो है, काई हो गया, हार्न वर्टिस हो गया और लिवर वर्टिस होता है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। काई, हार्न वर्टिस और लिवर वर्टिस होते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चूज द रॉन्ग वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से गलत को चुने, जो आपका गलत इसमें से उसी का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो गलत है वो क्या है भाई, तो ड्रोसेरेरा कीट भच्छी पौधा एकदम सही है। ठीक, निफिंथस कीट भच्छी ए भी है, रेफ्लेसिया कीट भच्छी पौधा नहीं, क्यों, क्योंकि जो एक आपका परजीवी होता है, परजीवी पौधा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, सरकेनिया कीट भच्छी पौधा एकदम सही है। प्रश्न है व्हाट इज द फ्लावर पार्ट दैट प्रोड्यूसेस द पोलन सीड। पुष्प भाग जो पराग बीज का उत्पादन करता है वह क्या होता है, तो उसका नाम क्या होगा। यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, पराग कोष कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखो उसको क्या कहेंगे, पराग कोष हम कहेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। Which tissue is responsible for transporting food made in the leaves to the other leaves to other parts of plant? कौन सा होता पत्तियों में बने खाद्य का पौधों के अन्य भागों में परिवहन करने हेतु जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार है, यहाँ पे फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को फ्लोएम भेजने का काम करता है, जल का काम जो है जाइलम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगस दैट स्प्रिट रस्ट। निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थाई ऊतक है। यहाँ पे आपका इंग्लिश में क्वेश्चन गड़बड़ है। ठीक है, इंग्लिश आपकी इसकी सही नहीं है। निम्न से कौन सा एक सरल अस्थाई ऊतक है, ऊतक यहाँ पे रहना चाहिए था, सरल अस्थाई ऊतक है। अब यहाँ पे जो है सरल अस्थाई ऊतक की बात कर रहा है, तो इसमें से जो है देखिए सरल और अस्थाई ऊतक की बात कर रहा है, तो इसमें जो सरल अस्थाई ऊतक है वो कौन सा, केवल जाइलम है आपका। ठीक है, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सरल स्थायी तक केवल जाइलम है। बाकी शीर्ष विभाजक, कोलेन, काइमा, केम्बियम, ये सभी कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो आपका शीर्ष विभाजक होता है क्या होते हैं, इनके अगर आप बात करेंगे तो क्या होते हैं, तो इनको अगर आप बताना चाहें तो क्या होते हैं, जो है तने और जड़ में होते हैं। ठीक है, शीर्ष जो विभाजक होता है क्या होता है, तने और जड़ में हो जाएगा। और कोलिन काइमा की अगर बात करेंगे तो यह पत्तियों की जो है यांत्रिक सहायता प्राप्त करता है। ठीक है, या जो है पत्तियों को यांत्रिक सहायता प्राप्त करता है। केम्बियम की बात करेंगे, केम्बियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यह जो है करता क्या है कि अंदर की तरफ से जाइलम और बाहर की तरफ से फ्लोएम के बीच में जो एक दीवार के रूप में रहता है। ठीक है, किसके किसके बीच में, जाइलम अंदर से और बाहर से किसके बीच में, ये जो है यहाँ पे फ्लोएम की बात कर रहा है। ठीक है, अंदर से जाइलम बाहर से फ्लोएम के बीच में जो एक संकीर्ण दीवार, मतलब एक पतली दीवार बहुत जो है दीवार के रूप में काम करता है, जिससे होता क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा जाइलम और फ्लोएम जो है बन सकें। ये काम किसका होता है, केम्बियम का होता है। ओके, तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम भी आशीष सर। थैंक यू।